प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, जो यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से जो ईकेवाईसी हो रहा था, जिनका यहाँ पर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब क्या है कि ओटीपी वाला बेस यहाँ पर फिर से अवेलेबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को लाइव दिखाने वाला हूँ कि आपको ओटीपी बेस वाला केवाईसी यहाँ पर कहाँ से एक्टिव हुआ है। मैं इसमें कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। मैं इसमें आपको ओटीपी का वेरीफाई करके, यानी कि मैं केवाईसी करके तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ज़रूर दिखा दूँगा कि यहाँ पर केवाईसी का अवेलेबल हो चुका है। यहाँ पर भी आप रीड कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि और मैंडेटरी ऑफ फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर ओटीपी बेस ईकेवाईसी इज अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल, यानी इस वाले वेबसाइट पर बायोमेट्रिक वाला भी और ओटीपी बेस वाला दोनों यहां पर अवेलेबल हो गया है। तो आप नीचे आएंगे और यहां पर देख लेंगे, यहां पर सबसे पहले यहां पर लास्ट डेट यहां पर देख लीजिए, 31 मई 2022 तक इसका लास्ट डेट है। जितने भी अभी आप केवाईसी नहीं कर पाए होंगे तो केवाईसी करने वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, वहाँ से केवाईसी आप घर बैठे कर सकते हैं। और जिनका पेमेंट फेल हुआ होगा उनका भी यहाँ पर सारा डिक्लेरेशन दिया गया है, चैनल पर अवेलेबल है, आप उसका भी पेमेंट फेल वाला भी देख सकते हैं कि पेमेंट फेल वाला को पेमेंट कैसे करना है, यानी दोबारा से पेमेंट उनका कैसे करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फार्मर कॉर्नर का सेक्शन है, यहीं पर आपको सभी सेवाएं अवेलेबल हैं, जिसमें यहाँ पर आपको पीएम किसान ये वाला आपको जो केवाईसी वाला था ये वाला बंद कर दिया गया था, हटा दिया गया था, लेकिन अब ये फिर से ओपन कर दिया गया है। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इस वाले बेस सेक्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है, और आधार नंबर डाल के यहाँ पर आप सर्च करके यहाँ पर लिखा हुआ है आधार ओटीपी ई केवाईसी, तो यहाँ से भी आप अब कर सकते हैं। तो यही थी छोटी सी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।